अध्याय श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च नान्यग्निर्न चाक्रियः। इस अध्याय के प्रसंग में कठोपनिषद का प्रसंग चल पड़ा। जिसमें तीन वल्लियां हैं और दो अध्याय में एक एक अध्याय में तीन वैल्लियां हैं। उसकी कथा हम सुना चुके हैं, नचकेता ऋषि पुत्र है और अपने पिता के क्रोध से वो यमराज के यहाँ पहुँच गया। पिता ने क्रोध किया, मैं तुझे यमराज को देता हूँ, जबकि बहुत प्यारा पुत्र था। लेकिन उसने पिता को टोक दिया, बूढ़ी गायों को दान देते हो, समझ गया कि मेरे लिए बचा रहे हैं। तो उसने प्रश्न के रूप में उनको ज्ञान दिया कि मुझको किसको दोगे। तो उन्होंने कहा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। वो यमराज के यहाँ चला गया। ये बड़ी दुर्गंध है यहाँ, यमराज के यहाँ। उन्होंने यमराज ने कहा तीन वरदान ले लो। पहला तो उसने अपने पिता की प्रसन्नता मांगा कि वो क्रोध न करें। दूसरा इष्टि जिसे स्वर्ग पहुंचते हैं। तीसरा अध्यात्म मांगा, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने उसको कहा कि स्वर्ग का तू सुख ले ले, इस अध्यात्म को मत पूछ। लेकिन उसने कहा कि हमको नहीं चाहिए स्वर्ग का सुख, जितने भोग हैं ये इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। यमराज ने उसकी प्रशंसा किया कि तू सच में परमार्थी है जिसके अंदर त्याग नहीं है, वो अध्यात्म का अधिकारी नहीं है।
तूने सब कुछ त्याग कर दिया, और बहुत प्रशंसा करने के बाद उसको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। उस उपदेश में मुख्य बात यह है यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति। पंद्रहवें मर्त में कहा है कि मनुष्य के अंदर जब तक कामनाएं हैं एतावद्धि अनुशासनम, मंत्र 15 में और 14 में सबसे बड़ी अध्यात्म की विशेषता यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। तीसरे बल्ली में, दूसरे अध्याय के तीसरे बल्ली में जहाँ उपनिषद समाप्त होता है इसके पहले भगवान का रूप का वर्णन, ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। भगवान सबका वशी है, वश में करने वाला है और अनंत रूपों में प्रकाशित हो रहा है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सूर्य जैसे, सूर्य को सब देखते हैं, अध्याय 2 बल्ली 2 11वें में 2 सही 2/11 में सूर्य हम सब लोग देखते हैं, लेकिन हमारी आँखों में जो अलग अलग दोष हैं वो सूर्य में लिप्त नहीं होते हैं। उसी तरह से भगवान सबसे निर्लिप्त है। वायु एक है, अनेक रूपों में, अनेक शरीरों में, अनेक प्राणों के रूप में भासित होता है, लेकिन है एक ही है। अग्नि का उदाहरण दिया, जैसे अग्नि एक है, सूर्य एक है और उसको इतना निर्लिप्त है कि यही बात भगवान ने भी गीता में कही है, कठोपनिषद का सार। तेरहवें अध्याय में 32-33 श्लोक में यथा प्रकाशयत्ते कः कृष्णं लोकम् इमं ब्रवीः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। उसी तरह से यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिसे आकाश है सब जगह व्याप्त है,
लेकिन उपलिप्त नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है उसमें। सूर्य सबका प्रकाशक है लेकिन कर्तृत्व नहीं है उसमें। उसी तरह से भगवान है, वो सबसे असंग है, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। कठोपनिषद का सार 13:32-33 में रखा है भगवान ने, और परमात्मा असंग है, निर्लिप्त है, अकर्ता है, क्योंकि लिप्त नहीं होता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अभ्यम। मैं सब कुछ करके भी अकर्ता हूँ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म हमसे चिपट जाता है, लिप्त हो जाता है, इसलिए हम कर्ता बन जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, लगभग 62 साल पुरानी बात है या और अधिक होगी। करपात्री जी ने एक पार्टी बनाई थी, राम राज्य परिषद, राजनीति में जो शासन करे, तो वो उसके प्रचार में घूम रहे थे। मैं उस समय चित्रकूट में करबी में था, तो वहाँ उसको भाषण करके चले, तो रास्ते में एक विद्वान ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप आज बहुत अच्छा बोले। तो बोले जो बोले छोड़ दो, वहीं रह गया, आगे चिंतन करो, भगवत चिंतन, उसको मत सोचो क्या हमने किया। तो हमने सोचा कि देखो ये संतों की स्थिति होती है कि जो कुछ कर आया उसको सोच नहीं रहे हैं, उसमें लिप्त नहीं रहे हैं, उसके परिणाम को नहीं सोच रहे हैं। हम लोग परिणाम सोचते हैं, फल सोचते हैं, इसलिए लिप्त हो जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैं अकर्ता हूँ क्योंकि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नो न मे कर्म फले स्पृहा। जब कर्म लिप्त हो जाता है तो स्पृहा पैदा करता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देता है तो रिजल्ट कब आउट होगा सोचता रहता है, फल को सोचना ही लिप्तता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदा कदाचन, कभी भी स्वप्न में भी फल के मत सोचो। सोचते हो तो इसके माने कि तुम लिप्त हो गए हो, कर्म तुम्हें लिप्त हो गया है, तुम कर्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन जाओगे। तो ये कठोपनिषद के अंत में
उन्होंने उपदेश दिया और फिर बहुत से लोग समझते हैं कि उपनिषद निराकारवादी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गीता भगवान ने सबका सार दुहा है। वो भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन करती है और उपनिषदों में भी है। भयाद अस्य अग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्यः, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये भगवान के ईश्वर का वर्णन है। और भगवान के धाम में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्त मनु भाति सर्वम यस्य भास्या सर्वमिदं विभाति। न सूर्य पहुँचता है, न वहाँ चंद्र पहुँचता है, अग्नि तो पहुँच ही कैसे सकती है जहाँ भगवान का धाम है। यही गीता में भी भगवान ने 15:6 में कहा, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। अध्याय 15 छठवां श्लोक कठोपनिषद में बल्ली 2 के 15वें श्लोक में यही बात आती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि है। और ये सब बताने के बाद वो कहते हैं कि ये जो पुरुष है ये केवल कृपा से मिलता है। ये कठोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है, नैषा मति तर्केण आपनिया। ये बुद्धि महापुरुषों के संग से मिलती है और उनके उपदेश से मिलती है। और यहाँ तक कहा गया है कि यमे वैश वृणुते येन लभ्यस न, ये वो प्राप्ति पढ़ने से होगी न तपस्या से होगी। न तो स्वाध्याय से होगी, न प्रवचन से होगी भगवान की प्राप्ति। ये बल्ली 2 का 23वां मंत्र है। बहुत से वैष्णव आचार्यों ने इस पर बहुत सी टीका लिखी है। नायम आत्मा प्रवचने नभ्यो, बल्ली 2 अध्याय 1 मंत्र 23, प्रवचन से नहीं मिलता। न मेधया न बहुना श्रुतेन न तीव्र बुद्धि से यमे वैश्य वृणते, जिसको स्वयं ये अपना ले तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा वृणते तनुं स्वाम। वो कृपा करके जिसको अपना ले उसी को अपना स्वरूप दिखाता है।
जैसे सती स्त्री अपने शरीर को केवल उसी को दिखा सकती जिसको चाहती है, उसका पति है, तो वैसे यहाँ स्त्रीलिंग में सती स्त्री के उदाहरण दिया गया। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, इसी को प्रहलाद जी ने कहा है अपनी स्तुति में कि तुम जिसको बुलाते हो वही आता है तुम्हारे पास। और दूसरा नहीं आ सकता। प्रहलाद जी ने कहा है कि मन्ये दना बिजन रूप तपा श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगा। आराधनाए भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। आखिर में उन्होंने कहा है कि त्रस्तोस्मि अहम कृपण वत्सल, सातवां स्कंध नौवां अध्याय 7-9 और 16 अध्याय 9 स्कंद 7 श्लोक संख्या 16। त्रस्तोस्मि हम कृपण वत्सल दुसुहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्धा स्वकर्म भीरुषोत्तम तेंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदायनु। तुम कब बुलाओगे हमें प्रसन्न हो करके तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ को कोई, आते हरी कृपा जाय पर हुई पाए दे यह मारक सोई। यमय वैश्य वेण लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते गुरुं गुरुं तनुं स्वाम। इसकी टीका रामानुजाचार्य ने किया है श्री भाष्य में कि भगवान किसको बुलाता है। अगर चाहे जिसको बुला ले तो नैर्घृण दोष आ जाता है, विषमता का दोष आ जाता है, तो वर्णीता गुण होना चाहिए। जैसे स्त्री वर्ण करती है गुणवान पुरुष को, वैसे वर्णीता का गुण होना चाहिए। वर्णीता गुण क्या है? शरणागति। शरणागति भगवान कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते। जो शरण में आ गया, बैठत तो सबै सभा हरिजू को, कौन बड़ों को छोट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट, शरण गए प्रभु।